हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैंने अपनी दुकान भी खोल ली है। वैसे अभी चल रही थी दुकान की साफ सफाई, क्योंकि थोड़ी सी धूल मिट्टी हो जाती है ना, तो उसे साफ करना पड़ता है। मम्मी बना रही है गर्मा गर्म चाय, तब तक मैं दुकान को ही साफ कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। वैसे दोस्तों, एक चीज़ तो आपको दिखाना भूल गया, कल हम अपने नए घर के लिए प्लम्बिंग का सामान खरीदने गए थे। जो जो तो कॉक बिक लगते हैं या फिर जो प्लम्बिंग का सामान होता है, पाइप भी, वो सब चीज़ें। तो ये देखो, इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर, ये पाइप चिपकाने के लिए, ये टीवी वगैरह हो गया, टेफ्लॉन टेप हो गया, ये ज्वाइंडर हो गया, एल्बो बिल्बो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। उसके बाद ये हो गए बड़े वाले कुछ पाइप्स, इसके भी दो, ये बड़ा वाला टी हो गया, और साथ में ये छोटा सा श्रावर भी। और इस बड़े से बॉक्स के अंदर है मिक्सर, जो ठंडे गर्म पानी को एक साथ करता है, वो वाला मिक्सर। दोस्तों, ये कुछ लाइटिंग है जो कि मैंने पिछले साल लाई थी दिवाली के लिए। वैसे भी कुछ ही दिनों बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो वैसे में लाइटिंग की बिक्री हो जाती है, इसलिए मैं पिछला जो स्टॉक था वो ऊपर निकाल रहा। देखो इनके ऊपर कितनी धूल जम गई है, तो इसको फटाफट से साफ कर लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस साल भी हमें बहुत सारी लाइटिंग खरीद के लानी पड़ी, क्योंकि दिवाली आने वाली है, गणेश चतुर्थी हो गई, और बहुत सारे त्यौहार आने वाले अभी से, तो उसकी शॉपिंग अभी से करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं। मैं फटाफट से इन सभी को साफ कर लेता हूँ अच्छे से। ये देखो यार, कितनी धूल जम गई इसके ऊपर। ये कर दो का दर भाई। आप ले लो ना चॉकलेट। ये अच्छे दी। ये दोन तीन चार पाँच। सब एक एक चे? हाँ, सब एक एक। आजून? आजून का 10 रुपये दे देना। दर। एक ले। ये की दोन। दर। तीन। तीन। चार। आणि ये नग दी, इकडी, ये दी। पाँच। आणखी? दोस्तों, अभी शाम के 5 बज चुके हैं, स्कूल भी छूट चुका है। वैसे मैं सुबह से प्लम्बर की राह देख रहा था, लेकिन यार प्लम्बर आया नहीं, और आपको थोड़ा सा लुक चेंज दिख रहा होगा, क्योंकि बाल कटवाने गया था, अभी भी आया हूँ जस्ट ना। अभी शाम के 5 बज चुके, मैंने अभी भी जस्ट दुकान की साफ सफाई की, थोड़ा सा पोछा वोछा मार लेते हैं, और फिर देखते हैं कि दुकान में कौन कौन से काम है। बहुत सारी चीजें बिखरी दिख रही होंगी, तो इनको भी सही जगह पर लगाना है। दोस्तों, ये देखो दुकान में कितने सारे खाली डब्बे इकट्ठा हो चुके हैं। दुकान में जो भी टॉफी आती है या फिर बर्फी आती है ना, मिठाइयाँ, तो उनके डब्बे खाली हो जाते हैं, तो ये देखो इतने सारे इकट्ठा हो गए। वैसे मैं क्या करता हूँ, इसमें तेल ले देता हूँ, जो खुला वाला तेल होता है ना वो दे देता हूँ। लेकिन यार दोस्तों, कस्टमर को देने के बाद भी मेरे पास इतने सारे डब्बे इकट्ठा हो गए, तो इन्हें रखने के लिए दुकान में जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इन सभी को एक बोरे में भरकर छत के ऊपर डाल देते हैं। दोस्तों, ये देखो, ये वाला बोरा पूरा भर चुका है इन खाली डब्बों से। वैसे हल्के होते हैं, आसानी से मैं उठा पा रहा हूँ, और अब इसे अपने दुकान के छत के ऊपर डाल देते हैं। स्वीटू दर आजून आजून काय तीन चे ये दोस्तों, आज है अगला दिन, क्योंकि यार कल आपको कुछ दिखा नहीं पाया, प्लम्बर आए नहीं, तो आज प्लम्बर अंकल आएंगे, तो आपको दिखाऊंगा कि हमारे घर की प्लम्बिंग कैसे होने वाली है। वैसे आज है 5 सितंबर, यानी कि टीचर्स डे, तो हमारी दुकान के सामने जो स्कूल है वहाँ पर टीचर्स डे की तैयारी शुरू हो गई। यानी कि हमारे टाइम में कैसा होता था कि बच्चे पढ़ाने आते थे,
यानी कि एक दिन उनके लिए होता था, बच्चे अगली क्लास को पढ़ाते थे या फिर पिछली क्लास को। तो दोस्तों अभी मैं लेके आया हूँ प्लम्बर भाई के लिए गर्मा गर्म चाय। चलिए दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।